क्या दोस्तों आपको पता है फ्री फायर में सीएस रैंक का नया सीजन कब आएगा, मतलब कि ये जो सीजन है वो कब खत्म होगा और नया सीजन कब से कितने बजे चालू होगा। और दोस्तों साथ में हम लोग इस वीडियो में ये भी जानने वाले हैं जो हम लोग का नया सीजन आएगा सीएस रैंक का उसमें क्या क्या रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। आपको पता है हीरोइक जाने पे हीरोइक का टी शर्ट मिलता है और कुछ गन की स्किन मिलती है, ठीक है, और कुछ परांग वरांग के सबके स्किन भी मिलते हैं। तो आप लोग को क्या देखने को मिलेगा अगले सीजन में आप लोग को इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। और साथ में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानने वाले हैं कि जैसे किसी बंदे को जानना होता है कि भाई अगर मेरा रैंक अभी के टाइम पे डायमंड 1 पे है या प्लेटिनम पे है तो जब सीजन चेंज होगा तो कितने पे आके मेरा रैंक गिरेगा। अगर आप लोग को ये भी जानना है तो आप लोग इस वीडियो में आराम से डिटेल में जान सकते हो। तो वीडियो करते हैं फटाफट स्टार्ट। सो गाइस पहले बात करते हैं हम लोग के गेम में सीएस रैंक का नया सीजन कब देखने को मिलेगा, इसका मैं आपको डेट और टाइमिंग बता देता हूँ। 1 दिसंबर को देखने को मिलेगा हम लोग का सीएस रैंक का नया सीजन और इसका जो टाइमिंग रहेगा चेंज होने का वो रहेगा 2 से 2:30 बजे के बीच में और उसके बाद आप लोग आराम से गेम में जाकर रैंक पुश कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं जब आप लोग सीएस रैंक का सीजन पुश करते हो तो उसमें आप लोग को जो रिवॉर्ड मिलते हैं वो क्या क्या मिलेंगे अगले सीजन में, तो आप लोग को मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। पहले तो आप लोग यहाँ पर देख लो, पेन की स्किन मिलेगी आप लोग को जो कि आप लोग के डिस्प्ले के सामने दिख रहा होगा। और उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर एक गन की स्किन जिसका नाम है G36 और इसका एट्रीब्यूट यहाँ पर रिलोड स्पीड प्लस रहेगा और साथ में रहेगा मैगजीन प्लस और जो इसका माइनस रहेगा वो रहेगा यहाँ पर मूवमेंट स्पीड माइनस, ठीक है। लेकिन जो सबसे मेन चीज है जैसे आप लोग यहाँ पर हीरोइक लगाओगे तो आप लोग को यहाँ पर हीरोइक का जो टी शर्ट है वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो कि यार देखने में भाई अच्छा लग रहा है। आप लोग कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे। अब दोस्तों अगर आपको जानना है कि अगर आपका रैंक माइनस होगा तो आप लोग कितने पे आके गिरोगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अभी के टाइम पे जो मेरा रैंक है वह है प्लेटिनम 4 पे। अब मुझे देखना है कि भाई जब सीजन चेंज होगा तो मेरा रैंक कितने पे आके गिरेगा, तो मैं यहाँ पर न्यू रैंक पे क्लिक करूंगा जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, वैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे गाइस यहाँ पर पेज आपका रिलोड हो जाएगा तो आपको यहाँ पर सीजन पे क्लिक कर देना है और जैसे आप लोग यहाँ पर सीजन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर BR मोड का देखने को मिलेगा, बट हम लोग को यहाँ पर चेक करना है CS रैंक मोड का, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर नीचे करना पड़ेगा, जैसे आप लोग थोड़ा सा नीचे करोगे तो आप लोग यहाँ पर ध्यान सुनना आपके जो राइट साइड यहाँ पर जो रैंक दिया हुआ है ना वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है करेक्ट रैंक कितना होगा और जो आपका लेफ्ट साइड दिया वो दिखाएगा कि आपका कितना पे आके रैंक गिरेगा, ठीक है। जैसे कि मान के चलो आप लोग ने यहाँ पर हीरोइक लगा लिया और आपका जो हीरोइक रैंक है वो 1 स्टार से 10 स्टार के बीच में है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जब आपका रैंक चेंज होगा तो आपको यहाँ पर प्लेटिनम 3 पे पटक दिया जाएगा, ठीक है। जो आपका रैंक है वो यहाँ पर प्लेटिनम 3 पे आ जाएगा। तो इस तरह आप लोग अपने रैंक के अकॉर्डिंग देख सकते हो जैसे ही सीजन चेंज होगा तो आप लोग कितने पे आके गिरोगे। और दोस्तों ये सब जानने के बाद आप लोग अपने रैंक पुशिंग करने का स्ट्रेटेजी बना सकते हो, बिकॉज अभी के टाइम पे आपको आइडिया हो चुका है कि आपका रैंक कितने पे आके गिरेगा, तो उस हिसाब से आप लोग अपना टाइम मैनेज कर सकते हो भैया कितने घंटे खेलेंगे तो हीरोइक लगेगा, कितने घंटे खेलेंगे तो यहाँ पर ग्रैंड मास्टर लगेगा। और दोस्तों ऐसे ही फ्री फायर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और अपडेट जानने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। मैं आप लोग से मिलता हूँ फिर किसी एक नए वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय बाय।